आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। चलो वह छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। चलो वह छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। करेंगे महामस्तक अभिषेक, करेंगे महामस्तक अभिषेक, ढुरा कर मस्तक पर जलधार। चलो वह छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। करेंगे महामस्तक अभिषेक, करेंगे महामस्तक अभिषेक, ढुरा कर मस्तक पर जलधार। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। करेंगे महामस्तक अभिषेक, करेंगे महामस्तक अभिषेक, ढुरा कर मस्तक पर जलधार। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है। चलो वही छत्र पार्श्व के द्वार, ये अतिशयकारी है दरबार। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। जलपादपीठम् आरोपये लोकजितं दीनेन्द्रं श्रीवर्णकीर्णाक्षतमध्यपीठम् ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राय स्व इति पीठार्चनं करोमिति ओम ह्रीं स्वस्ते हे कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। कलश स्थापन कीजिए, कलश इसके ऊपर। और वो भी कलश स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं स्वस्ते हे कलश स्थापनम् संस्थाप्याडक वारिपूर्ण कलशान पद्मापिधानाननन् प्रायो मध्यघटान्वितान् उपेता सद्गंध चूर्णादिभिः द्रोणाम्ब परिपूरितान् शत्रुशा कोणेष्वित्यक्षते कुम्भान् यस्य समङ्गलेष्णितं तेषु प्रसूनं वरम्। ओम ह्रीं स्वस्ते कलश स्थापनम् करोमि स्वाहम्। अब जल्दी जी। ओम गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्य हरिद्वरितकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रुप्यकुला कलश के कलश में हाँ नारी नरकांता सुवर्ण रुप्यकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्बो निधि जलम स्वर्णघट प्रक्षिप्त परिपूरित महामोदकम पवित्रम कलश जल शुद्धिम करोमि ते स्वाहा। अभ्यर्चे कलशाम स्तोय प्रवाहि चंदनैरम अक्षतै कुसुमैरन्नै दीपधूपये फलैरपिः। ओम ह्रीं नेत्राय संषट स्वाहा इति कलशार्चनं करोमि। मन्लस्व वरुणस्व सोमस्व प्रजापतेस्व ओमस्व भूस्व भुवस्व स्वस्व सदा स्वाहम्। एतत् सर्वजनीन जैन समन प्रत्यूह विद्वंसन
प्रोद्भूत प्रतिम प्रभाववीता प्रख्यात पूजांचितान् स्वस्वातुच्छ परिचदान् दश दिशा मण्या प्रदूषामितान् दिक्पालान् जगदेकपालकजनाधीशावरे व्यावहे ओमां क्रुमीम् इन्द्रादिदस्तिक्पालकदेवाः यजमान प्रभृतीनां सर्वेषां सर्वविघ्नशान्त्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं अर्घ्यं ग्रहण ग्रहण अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। ओम नमः। ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, बोलो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की, लादिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चौबीसों भगवानों की, आचार्य विद्यानंद मुनिराज की, गणधराचार्य कुंत सागर महाराज की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, विश्व धर्म के महाचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज की, भले हनुमान सागर जी मुनि महाराज की, चुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री अविरल सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आज के आनंद की। महानुभाव यहां पर आई छत्र जो स्थान है, भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर के ये केवल ज्ञान कल्याणक स्थान है, जहां पर पांचाल जनपद के राजधानी अहि छत्र में। भैया बोलो, नहीं क्या हो रहा है, कोई बोलना नहीं भैया, इशारे से काम करना। अहि छत्र में भगवान पार्श्वनाथ घनघोर तप करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और इस बीच में पूर्व संस्कार के कारण कमट का जीव शंबर नाम का देव बन करके घनघोर उपसर्ग किया, और उस उपसर्ग को सहन करते हुए और उनके श्री पार्श्वनाथ भगवान ने 10 बोर से क्षमा करते रहे, और ये हम लोग 10 लक्षण में क्षमा भाव से शुरू करते हैं, उत्तम क्षमा से शुरू करते हैं, और उत्तम क्षमा भाव से उसको संपूर्ण करते हैं। शुरुआत और संपूर्ण क्षमा से होता है। सबसे ज्यादा अधिकतर उपसर्ग को विजय प्राप्त करने वाले सारे बहुत तीर्थंकर हुए, तप किए, त्याग किए, परंतु पार्श्वनाथ भगवान के एक ऐसे उदाहरण है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पार्श्वनाथ भगवान के मूर्ति ना हो और एक से अधिक ना हो। सबसे ज्यादा मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान के हैं हर मंदिर में। कौन से भगवान के? पार्श्वनाथ भगवान के। भारत में नहीं, भारत के बाहर भी पार्श्वनाथ भगवान के। क्यों है कि लोगों के पार्श्वनाथ भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा है, और इतने बड़े भयंकर उपसर्ग को भी सहन करके उसको जीत लिया है, विजय को प्राप्त किया है। हाथ जोड़ो, जो कर्मों को जीत लेता है, स्वयं को जीत लेता है, वो जिन हैं, और उनके जो इंद्र हैं तीर्थंकर देव जिनेंद्र है। डर के आगे जीत है, जीत के आगे जिनेंद्र भगवान हैं।
पार्श्वनाथ भगवान जीत के भी ऊपर हैं। बोलो, पार्श्वनाथ भगवान जीत के भी ऊपर हैं। हम अपने विजय की प्राप्ति के लिए पार्श्वनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान के इस केवल कल्याणक भूमि पर हे भगवान हम अभिषेक करने जा रहे हैं। अभिषेक हम इसीलिए करते हैं स्वयं की आत्मा की पवित्रता के लिए, तन मन चेतन को पवित्र करके हम सब भगवान पार्श्वनाथ के ऐ क्षेत्र वाले बाबा के तिकाल वाले बाबा के हम अभिषेक करने जा रहे हैं। किसी ने पूछे तिकाल क्या होता है, तिकाल तिकोन वाला वेदी होती है उसको तिकाल बोलते हैं। वैसे प्राकृत में तिकाल है, तिकाल मतलब तीन काल, कितने काल, तिकाले चदुपाणा, ये द्रव्य संग्रह में आया तिकाल। तिकाल का मतलब तीन काल, बोलो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो अभी हम लोग वर्तमान में हैं, कौन से काल में हैं, जोर से बोलो, हमेशा कौन से काल में रहेंगे। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, बोलो पार्श्वनाथ भगवान वर्तमान में रहकर उपसर्ग को जीत लिया, स्वयं को जीत लिया, मन को जीत लिया, अष्ट कर्मों को जीत लिया। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के हम अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक इसलिए कर रहे हैं आत्मा की पवित्रता हो, आत्मानम, जोर से बोलो आत्मानम स्नापयन नित्यम ज्ञान वारीण चारुणा एन निर्मलताम यान्ति, एन निर्मलताम यान्ति जीवो जन्मांतरेष्वपि। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके अभिषेक के प्रसाद से मेरी आत्मा मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से, अवधि ज्ञान से, केवल ज्ञान से, मन पर्याय ज्ञान से, केवल ज्ञान से पवित्र हो। जन्म जन्मांतर में मैं ज्ञान रूपी जल से इस आत्मा को निरंतर स्नान करता रहूं, अभिषेक करता रहूं। ये आपके अभिषेक के कृपा से मेरी आत्मा, मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा परमात्मा से जुड़े, अंतरात्मा में परमात्मा को विराजमान करना, उनके श्रद्धा को विराजमान करना प्रतिष्ठा है। हम हर साल प्रतिष्ठा करते हैं, हर पांच साल में पुनः प्रतिष्ठा करते हैं, हर बारह साल में बार बार प्रतिष्ठा करते हैं, रोज मस्तकाभिषेक करते हैं, आज महामस्तकाभिषेक कर रहे हैं। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। बोले तिखाल वाले बाबा की। स्फुटित जीर्ण नूतन सृजन चैत्य चैतालयोद्धारणैक धीराणां यात्रा प्रासाद प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणैक शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य काव्य नाटका विधान निमित्त शास्त्र सिद्धांत महापुराणादि शास्त्र सरोज रस स्वादन मदोत्कट मधुकुराय मानानां निजकुल कमल विकासनैक मार्तंडानां आश्रित श्री जिनकल्पवृक्षाः पवित्रीकृतोत्तमाङ्गाः शुद्ध सम्यक्त्वादी द्वादशगण संग भार दुरंदर सदा गुरु आज्ञा प्रतिपालक नित्याभिषेक श्री ऐक्षेत्र नगरे श्रीमत् श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर पादकमलाराधकानां पुण्यार्थं मंगलार्थं तिष्ठपुष्टारोग्यार्थं भव्यजन क्रियमाणे
श्री जिनाभिषेके सावधाना भवन्तु सर्वे जनः। कलश लें एक मिनट। धर्मस्नेही बंधुओं, आज का ये महामस्तकाभिषेक का तृतीय दिवस जो परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के मंगलमय सन्निधि में परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज छुल्लक अविरल सागर जी महाराज के सन्निधि में आज का ये तृतीय दिवस महामस्तकाभिषेक का यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है और भारतवर्ष से अनेक स्थानों से यहाँ पर भगवान तिखाल वाले बाबा का मस्तकाभिषेक करने के लिए यहाँ पर सभी भक्तगण उपस्थित हैं। आज का प्रथम अभिषेक का सौभाग्य उपदेश कुमार जैन ने प्राप्त किया है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे महामस्तकाभिषेक के संयोजक गौरव जैन कृष्णानगर दिल्ली उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ में आज कलश का सौभाग्य प्राप्त करेंगे अमित जैन रामपुर, उनके साथ में पीके जैन कानपुर वाले जो हीरक कलश करेंगे, रजनीश जैन बरेली जो हीरक कलश करेंगे, उनके साथ प्रभात जैन जो स्वर्ण कलश करेंगे, संजय जैन हापुड़ जो स्वर्ण कलश करेंगे, ऋतुराज जैन कानपुर जो स्वर्ण कलश करेंगे। इस प्रकार से प्रारंभिक कलशों का आज जिन जिन के नाम मैंने लिए, यदि उनके प्रतिनिधि या वह स्वयं कोई उपस्थित हो तो वह शीघ्रता से आगे आ जाए। सर्वप्रथम उपदेश कुमार जैन जो पूज्य आचार्य श्री के परम भक्त है और जो दिल्ली से है, जिनका आज प्रथम कलश है, जो आचार्य श्री के भक्त है उपदेश कुमार जैन दिल्ली वाले, उनका प्रथम कलश है, उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई गौरव जैन आज प्रथम कलश यहाँ पर कर रहे हैं। पूज्य आज कलश यहाँ पर उनके द्वारा मंत्र उच्चारण से प्रारंभ होने जा रहा है। पूज्य आचार्य श्री शुरुआत करें। इनो द्रुतं भव्य जगद्भवाब्धे रभ्युद्रुतं मेन दूरं तमेन पूर्णार्थमर्हं तमिहाभिषेक्तुं सम्पूर्णकुम्भं वयमुद्धरामः। यज्ञानादिमहत्त्वनिर्मितमत्त्वाकाशमित्यम्बसाहं व्याजातन्वभिषिञ्चतीह जनमित्याविष्कृता शङ्कै अच्छाचैरपि शीतलै सुमधुरै स्थितोपनीतर्जले शान्त्यापादितवारिपूर्णमनघं देवं जनं स्नापये। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्रं वं 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 मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्रं वं 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 मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रां। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। हेलो हेलो, आवाज़ सही करो, आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ। हाँ, अभी उपदेश कुमार जैन का प्रथम जो कलश था दिल्ली वालों का, वह कलश यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब यहाँ पर पीके जैन कानपुर वाले हैं, अमित जैन रामपुर वाले, और उनके साथ उनके जो प्रतिनिधि या परिवार के कोई सदस्य हो,
वह कलश करेंगे। देखिए जिनके नाम लिए जा रहे वही लोग आएंगे पहले। हाँ जी, ओम रीम ह्रीम ह्रीम अयम अरम वम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम दीम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। हाँ, अमित जैन रामपुर वाले कलश करेंगे। अमित जैन रामपुर। हाँ जी अमित जी। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं वं मं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां दीं दीं द्रव द्रव ओं नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। हाँ चलिए, इसके बाद और भी जो कलश धारक है जिन्होंने कलश आरक्षित किया है वह सभी है क्या यहाँ पर? आ जाओ छुल्लक जी महाराज। जो भी कलश धारक है जिन्होंने कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है वह आ जाए और कलश करेंगे। इनका कलश है। हाँ कलश दीजिए, आ जाओ साइड में चलिए, आ जाए। लिया क्षीर सागर से जल हो मनोहर कलश इतने गहरे मानो सरोवर। लिया क्षीर सागर से जल हो मनोहर कलश इतने गहरे मानो सरोवर। सुरों का तन मन सुरों का तन मन पवन हो रहा है सुमेरु पे जीने वर का नवन हो रहा है सुमेरु पे जीने वर का नवन हो रहा है। प्रभु श्री पार्श्वनाथ का भजन हो रहा आए। और देखिए जिन जिन महानुभावों का बेटा आवाज बड़ा भाई बिल्कुल आवाज यहाँ समझ में नहीं आती, जिन जिन महानुभावों के कलश हैं वह जिन्होंने पूर्व से आरक्षित कराए वह आए और कलश करेंगे। हमारे मध्य श्री भवानी सिंह जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री ब्रज प्रांत के, वह भी यहाँ पर आज के इस अवसर पर उपस्थित हो रहे हैं। साथ में श्री धर्मेंद्र कश्यप जी जो सांसद आंवला के हैं वह भी हमारे मध्य यहाँ पर आज की इस अवसर पर उपस्थित हो रहे हैं जो पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और साथ में पवन शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष बरेली से हैं वह भी हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और वह पूज्य आचार्य श्री का मंगलमय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज के इस अवसर पर आए जिन जिन महानुभाव ने कलश आरक्षित किए हैं वह महानुभाव आए और अभिषेक करें और उसके उपरांत सभी लोग मिलकर भगवान श्री तिखाल वाले बाबा का मंगल में अभिषेक यहाँ पर करेंगे। हमारे मध्य भवानी सिंह जी धर्मेंद्र कश्यप जी और वह सभी उपस्थित होंगे। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रं द्रं द्रव द्रव ॐ नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीपवित्रजलसिंचामि स्वाहा। ॐ ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ॐ नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ॐ ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं
अम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्रम द्रम द्रव द्रव ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पवित्र जिनश्यामीश्वा ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम अरम पम पम अम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्रम द्रम द्रव द्रव ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पवित्र जिनश्यामीश्वा। देखिए बीच का थोड़ा सा हिस्सा खाली कर दीजिए, यहाँ पर बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली कर दीजिए, जहाँ पर हमारे संगठन मंत्री सांसद जी वो सब आएंगे, वो श्रीफल अर्पित आदि करेंगे, वो अर्पित करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा खाली करवा दीजिए यहाँ पर, और मंदिर की लाइट ऑन करवा दीजिए। जो लाइट वालों ने लाइट लगाई है मंदिर की, आधी लाइट बंद है, उसको ऑन करवा दीजिए जरा, वेदी की ओर की लाइट ऑन करवा दीजिए। हाँ, बीच में थोड़ा सा खाली कर दीजिए, पूरा बीच में सभी खाली कर दीजिए हिस्सा। हाँ, ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरम पम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्रम द्रम द्रव द्रव ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पवित्र जमीश्वाह। ओम नमः। हाँ, देखिए जो अभिषेक करने वाले क्रम से आएंगे और कलश करेंगे, थोड़ा सा आगे करो, हाथ आगे करो, अच्छा आप आ गए क्या? हाँ, अब जो है शांति धारा पाठ करेंगे, ऐसे पकड़ो, पकड़ो ऐसे, दोनों हाथ से पकड़ो ना। हाँ, अब शांति धारा का पाठ करेंगे, कलश कलश करो भैया, खड़े रहो खड़े, हाँ खड़े रहो, हाथ लगाओ, तुम भी हाथ लगाओ, हाँ इस तरफ आओ, हाँ बस बस केवल हाथ लगा, उनको उनके हाथ में हाथ लगाना है, कलश में नहीं, अंकल के हाथ में। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र पणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवादम अकस्माकम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे मृत्युम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे अतिकामम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे रतिकामम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे क्रोधम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे अग्निभयम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे सर्व शत्रु भयम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे सर्वोपसर्गम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे सर्व विघ्नम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे सर्व भयम चिंदे चिंदे बिंदु बिंदे सर्व राजा भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्वात्मा चक्र भयम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम
सर्वक्षयरोगम चिंचिंद बिंद बिंद सर्वकुष्ठरोगम चिंचिंद बिंद बिंद सर्वक्रूररोगम चिंचिंद बिंद बिंद सर्वनरमारिम चिंचिंद बिंद बिंद सर्वगजमारिम चिंचिंद बिंद बिंद सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम चिंचिंद बिंद बिंद सर्वमहि शमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व धान्यमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व वृक्षमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व गुल्ममारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व पत्रमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व पुष्पमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व फलमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व राष्ट्रमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व देशमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व विषमारिम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व वेताल शाकिनी ढाकिनी भयम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व वेदनीयम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व मोहनीयम चिंद चिंद बिंद बिंद सर्व कर्माष्टकम चिंद चिंद बिंद बिंद ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो शौर्य वीर वीर्यम शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर केट करवट मटंब पत्तन द्रोणमुख संवानानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखम हन हन दह दह पच पच शीघ्रम यत्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिवसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु तदास्तु कुलगोत्र धनधान्यस्तु तदास्तु श्री ऋषभदेव आदि श्री पार्श्वनाथ महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय सर्व शांतिम तुष्टिम कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौम रः अस्यावसा अरहम नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरकुरु वसत् पूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र बोलिए ऐ छत्र पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए तिखाल वाले बाबा की बोले अहिंसा में विश्व धर्म की धर्मस्नी बंधु अब वो लोग सब हाँ परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से समस्त विश्व की शांति के लिए शांति मंत्र का वाचन यहाँ पर किया कि देश में शांति हो विश्व में शांति हो जन जन में शांति हो सभी ओर सुभक्ष हो जहाँ तहाँ सभी अच्छा हो इस भावना से भाकर और हमारे मध्य आज इस पावन अवसर पर इस तिखाल वाले बाबा के महामहोत्सव में तीसरे दिवस यहाँ पर तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संगठन मंत्री ब्रज प्रांत के जो भारतीय जनता पार्टी के हैं भवानी सिंह जी जो वर्तमान में आगरा में निवास करते हैं वो हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हुए महामहोत्सव समिति के क्षेत्र कमेटी के विशेष आग्रह पर भवानी सिंह जी हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हुए उनके साथ इसी क्षेत्र के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी वह भी हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बरेली के पवन शर्मा जी भी
यहाँ पर इस अवस्था पर उपस्थित हुए। मैं चाहूँगा एक बार आप सभी लोग मिलकर करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें कि जो उन्होंने, और पुजारी जी लाए श्रीपल दीजिए, उधर श्रीपल उनको दीजिए, वहाँ से श्रीपल अर्पण कराए। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाए, इधर ले, पढ़ के दूंगा ना आशीर्वाद। थोड़ा सा सभी लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए आप लोग, यहाँ पर कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं क्या? आशीष थोड़ा सा पीछे करो, इनको सीधा रख, सीधा पकड़े, उल्टा करे इसको। हाँ 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 हाँ, चलिए मंत्र उच्चारण कर रहे हैं हम यहाँ से, और आप श्रीपल अर्पित करेंगे हमारे संगठन मंत्री जी, सांसद जी। एक श्रीपल और दे दो, एक श्रीपल और दे दो। ओ नवन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, नवन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा से तेरी सारा मेल धुल जाएगा, आत्मा से तेरी सारा मेल धुल जाएगा, जीवन को अपने चमन कर ले, जीवन को अपने चमन कर ले, रे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले रोज। मारी अरज सुनो पारसनाथ श्री जी, मैं थाने पूजन आयो श्री जी, मैं थाने पूजन आयो, मारी अरज सुनो पूजन आयो, अभिषेक नहीं किया है। बेटा बेस कम करो, बेस कम करो, बिल्कुल ट्रबल खोलो। जिन महानुभाव ने अभी तक अभिषेक नहीं किया है वह शीघ्रता से अभिषेक कर ले, जिन महानुभाव ने अभी तक कलश नहीं किए हैं वह शीघ्र। हमारे मध्य आज उपस्थित संगठन मंत्री और आ जाए और अभिषेक करें। पूज्य आचार्य श्री मंचासीन हो रहे हैं, वहाँ पर व्यवस्था करें बैठने की। और हमारे मुख्य अतिथि आज के भवानी सिंह जी, धर्मेंद्र कश्यप जी और पवन शर्मा जी जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं वह वहाँ पर उपस्थित। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष।